लेकिन हाँ इधर एक आम दिख रहा है, इधर ये देखो कैरी दिख रही है, इधर ये भी नहा के आ गया देखो। स्पोर्ट एक्टिविटी ऐसे भी चालू है। एक ही मांगा था, दो दिन मिल गए भाई हमको। तो व्हाट्सअप फैमिली, राम राम मित्रों, फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। तो ये अलीबाग का एपिसोड नंबर 4। सो आज हम जाने वाले हैं भाई नागांव बीच। तो अभी सुबह के बज रहे 7 बज रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर में आधे घंटे में हम लोग निकलेंगे नागांव बीच के लिए। उससे पहले कुछ कर लेंगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग सीधा नागांव बीच के लिए यहाँ से निकलेंगे। देखते हैं ट्रांसपोर्ट में क्या मिलता है, ऑटो मिलती है, बस मिलती है, जो भी मिलती है उससे जाएंगे। किसी लोकल से पूछा था, उन्होंने बोला था कि बस भी जाती है, बस से आप चिप प्राइस में जा सकते हो या ऑटो से भी जा सकते हो सीधा नागांव बीच के लिए। यहाँ से 8 या 9 किलोमीटर है नागांव बीच, तो वो बीच भी देख लेते हैं कैसा है। उसके बाद सीधा देखते हैं क्या करते हैं। उसके बाद का प्लान कोई डिसाइड नहीं है, अगर कुछ बना तो वहीं रैंडमली प्लान बनाएंगे और करेंगे उसके बाद। फिलहाल तक तो यही प्लान है। तो चलो दोस्तों, सेकेंड डे अपना ऐसे भी चालू हो गया है। अभी सब लोग यहाँ से निकल रहे हैं नागांव बीच के लिए, और देखेंगे ब्रेकफास्ट का क्या सीन होता है। एक तो नागांव जाके करेंगे, नहीं तो इधर ही करेंगे। लास्ट में क्लोज ही करना पड़ता है हर बार भाई। आम के झाड़ कोकन में दिखना ज़रूरी है, वो भी जो उनका घर रहता है घर के आंगन में झाड़ तो फिक्र रहते, जैसे नारियल के। आज बर्थडे भाई विक्रम भाई का है। ले क्या फोटो डाले, देखो ऐसे फोटो डालना चाहिए बर्थडे के दिन। वो जो रहते हैं ना अच्छे फोटो डालते हैं ढूंढ के, वो नहीं करना चाहिए भाई। जो गंदे से गंदा फोटो रहते हैं ना वो डालना चाहिए बर्थडे के दिन। देखो हर घर के सामने आम का और नारियल का झाड़ फिक्स है। ये कोकन का साइड रहता है भाई, बगीचा टाइप ही रहता है घर पूरा। लेकिन हाँ इधर एक आम दिख रहा है, इधर ये देखो एक कैरी दिख रही है। इधर सही वातावरण रहता है, नेचर सही रहता है। अभी यहाँ से अभी तक धूप नहीं हुई है, तो सुबह सुबह बीच पे जाएंगे तो ठीक है। थोड़ा लेट हो गया मेरे ख्याल से, 8 बज गए, और थोड़ा एक घंटा जल्दी निकलना चाहिए था। लेकिन हम लोग उठे ही लेट भाई, अचानक से पता नहीं चला, कल शायद इतना टायर्ड हो गए थे इसलिए। अभी चलते हैं चलो। सो अभी जा रहे भाई, ऑटो स्टॉप है, मतलब जो कल से हम जहाँ रिक्शा पकड़ रहे थे वहाँ एक स्टॉप है ऑटो का, तो वहीं जा रहे डायरेक्ट। देखते वो वाले ऑटो जाते हैं कि नहीं नागांव बीच, तो वहाँ से ऑटो पकड़ के जाते हैं, और कितना खर्चा होता है वो सब देखेंगे वहाँ जाते। तो दोस्तों एक शॉप में आ चुके हैं भाई, और शॉप में हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और हमारे इधर ही कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि नागांव बीच पे जाके कर रहे हैं, उधर करने वाले थे लेकिन बीच में हम लोग को मिल गया जो गर्म गर्म निकल रहे भाई, बजे निकल रहे हैं। पैटीज भी उनके पास गर्म रहे तो सर्व करेंगे। अभी हम लोग ने पैटीज मंगाए, तो यहाँ पर नॉर्मल ब्रेकफास्ट करके निकल गए भाई नागांव बीच के लिए। अभी देखते हैं कितना कितना ब्रेकफास्ट करते हैं। मेरे को तो लगी है थोड़ी सी भूख, लेकिन ये ब्रेकफास्ट खाने का मूड नहीं था। मेंदू वड़ा, इडली डोसा, ये तो इधर मिलने का सवाल नहीं होता। अभी देखते जो मिला वो खा के निकलते। और विवेक भाई कल से एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे, कल से भाई इतना कब से स्टे आएगा, कब अलीबाग बीच आएगा, कब अपना होटल आएगा, ऐसा कर रहा था। आज भाई देखो कितना शांत बैठा है। सो भाई साहब ऑटो मिल गए हम लोग को नागांव बीच के लिए, और काफ़ी जल्दी मिल गया, जैसे ब्रेकफास्ट किया ऑटो ही मिल गए। तो अभी यहाँ से सीधा जा रहे हैं नागांव बीच, और कितना बोला 300, यहाँ से भाई 9 किलोमीटर है, और उसका 300 रुपये चार्ज कर रहे हैं। आ चुके भाई नागांव बीच, आई लव नागांव। इतने सुबह सुबह इतने लोग क्या कर रहे हैं भाई? नहाने इधर आते हैं क्या? क्या पता नाचे होंगे, क्या सनराइज देखने आए होंगे भाई? लाटे भाई यहाँ पे लहर बहुत तगड़ा दिख रही है। अबे यहाँ पे लहर तगड़ा दिख रही है और नहा रहे भाई अंदर। अभी उनको देख के मेरा मूड हो गया। ये भी नहा के आ गए देखो, इसमें ज्यादा पानी है, फिक्का अलवक के मुकाबले इसमें ज्यादा पानी है दोस्तों। इसमें ज़्यादा पानी लग रहा है अलीबाग के मुकाबले, अलीबाग बीच के मुकाबले, क्योंकि वो पूरा अंदर जाना पड़ रहा था। ये भाई किनारे पे ही दिख जा रहा है पानी, और ये सैंड भाई ये सही लग रहा था। मतलब अलीबाग ठीक है, अलीबाग बीच ठीक है, कि ये नागांव बीच अभी कंपेयर नहीं कर पाऊँ। फिलहाल तो पानी को कंपेयर किया तो नागांव बीच सही लग रहा है, क्योंकि पूरा किनारे तक पानी है इसके। अलीबाग के वो जो लड़के लोग अंदर खड़े भाई, उधर पानी था, यहाँ पर भी स्पोर्ट है लेकिन अभी तक स्पोर्ट चालू नहीं है। तो यहाँ पे देखते क्या करते हैं, सिर्फ घूमते हैं
या कुछ एक्टिविटीज करते या भीगने का काम आज भी करते हैं क्या बोलते हो? भाई मेरे को तो ये बीच तगड़ा लगा अलीबाग से, इसका फील अलग ही है, अलीबाग से ज्यादा अलग है अलीबाग बीच से। क्या लहर क्या माहौल है इधर भी, क्या पता दोपहर तक शायद पानी पीछे जाता होगा और शाम को फिर से ऊपर आता होगा और सुबह सुबह ऊपर आ जाता होगा, मतलब वो रात को आता है वो वाला, ऐसे भी हो सकता है। तो टाइमिंग का खेल है एक ख्याल से देखा जाए तो। अरे विक्का विक्का मेरे को क्या लग रहा है पता है कि देख रात को पानी ऊपर जाता है तो दोपहर तक जाने के लिए टाइम नीचे चाहिए ना, वो सीन लग रहा है मेरे को। ये अलग ही सीन है, देख आ रहे नीचे ये जाएगा ऊपर। हाँ इसलिए सुबह सुबह मजे करने आ रहे, नहीं तो थोड़े टाइम में पानी शायद पीछे चला जाएगा। भाई मेरे को, अरे देख चालू है, कौन सा वाला क्या बोल रहा है? इधर पानी भी ज्यादा है अलीबाग को। अरे वो वही तो बोल रहा हूँ, रात को पानी ज्यादा होता है ना, तो अभी तक पानी गया नहीं नीचे। हाँ वो स्लो स्लो नीचे जाएगा ऐसा लग रहा है। अरे यार अभी जा सकते हैं रलवा, अंदर वेव पूल चालू है। तो दोस्तों अभी चलेंगे हम लोग अंदर जहाँ पे वेव चल रहा है। भाई हम लोग का प्लान चेंज हो गया, भीगने का प्लान नहीं था आज क्योंकि जल्दी निकलने का था, लेकिन भाई ये जो लहरें हैं ना भाई वेव पूल की याद आ गई, तो सीधा अंदर जाएंगे वेव पूल में तैरने के लिए, वेव पूल के मजे लेने के लिए। जैसे अंदर सब लोग कर रहे हैं, भाई क्या वेव आ रहे देखो लहरें, तो जाएंगे वहाँ थोड़ी देर में। तब तक भाई यहाँ पे फोटो चल रहा है राहुल भाई का, और ये सनराइज देखने नहीं मिला यार, सनराइज थोड़ा जल्दी आते तो सनराइज भी देखने मिल जाता। लेकिन ये नायगांव बीच भाई यार मिस कर दिया यार, इसलिए नायगांव बीच पहले आना चाहिए था मेरे ख्याल से, नायगांव बीच के इधर ही रिसोर्ट बुक करना चाहिए था, होटल जो भी अपना। इसको देख के मूड ही चेंज हो गया मेरा। भाई नायगांव में तैरना था नायगांव बीच में, तो अभी चल रहे सीधा। अभी क्या करते हैं, ये जो पूरा बीच है ऐसा कवर करते हैं, यहाँ से पहले जाते हैं फिर बाद में ऐसा करके वो साइड में पूरा जाते हैं, तो ऐसा पूरा बीच अभी ऐसा कवर करेंगे और देखेंगे भाई कैसे है। वो साइड में भी बंदे लोग आगे, वो साइड में भी बंदे लोग है भाई, वो कोपरे में एकदम कॉर्नर पे, तो वो कॉर्नर पहले जाके आते हैं। स्पोर्ट एक्टिविटी ऐसे भी चालू है भाई, वे बहुत तगड़ा है, पूरा हिला दे रहा है। सही है ना? सही है भाई, सही है भाई, कुत्ता भी मजे कर रहा है भाई। बहुत लोग भाई कोई इसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे वाटर स्पोर्ट में, सब लोग भाई वेव पूल के मजे ले रहे हैं, वेव पूल ही हो गए एक टाइप का। और बहुत गंदा है, मैं अंदर गया था, वो जो बंदे लोग हैं सबसे अंदर उधर भाई, उधर बहुत सीन सही है, जिसको तैरना आता है वही जा सकते हैं उधर, नहीं तो भाई जो नॉन तैरने वाला है वो तो भाई गया समझो, क्योंकि वेव बहुत तगड़ा है इसलिए शायद बैठे थे चुपचाप, अभी अंदर अंदर निकलेंगे ये लोग। दोस्तों नायगांव बीच को भी अलविदा करने का समय आ गया भाई, अभी जा रहे फिलहाल, हम लोग ने सिर्फ एक पैटिस खाया था भाई, अभी भूख लग रही है, देखते बाहर को जाओ और अच्छा सा ब्रेकफास्ट मिलता है क्या, नहीं तो फिर से आ सकते हैं यहाँ पे देखने के लिए क्या क्या सीन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे भाई एक लॉकर की सुविधा भी है, जो आपको बैग वैग आप रख सकते हो और जाके सब लोग इन्जॉय कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भाई राहुल ब्रो अपना बैग पकड़ रहा था और हम लोग जाके इन्जॉय कर रहे थे, तो ये थोड़ा सीन अलग था क्योंकि अलीबाग बीच पे वो लॉकर का सीन दिखा ही नहीं, और अलीबाग बीच पे भाई बहुत कम पानी, और मतलब इसको देख के तो ऐसे पकड़ लो कि वो 50% और भाई ये 90% ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत पानी है और ज़्यादा ये भी नहीं है, नमकीन भी नहीं, वो बहुत नमकीन था, एड़े के माफे नमकीन था, और इसमें ज़्यादा नमकीन नहीं है भाई, और ऊपर से बीच भी हार्ड है, इसलिए सुबह सुबह इतने लोग हैं यहाँ पे। मेरे को नहीं लगता कि अलीबाग बीच पे सुबह सुबह इतने लोग होंगे, अभी जा रहे ब्रेकफास्ट ढूंढने और बाद में आएंगे फिर से यहाँ पे, शायद बता नहीं सकते, नहीं तो वहीं से दूसरा कुछ प्लान कर सकते हैं अपन, तो चले ब्रेकफास्ट ढूंढते पहले बाहर जाके। तो नायगांव बीच के बाहर ही भाई रेस्टो दिख रहे हैं, मतलब नॉर्मल रेस्टो ओपन भी दिख रहे हैं, तो देखते इधर ट्राई करते हैं। ये सीधा लंच दिख रहा है मेरे को, ब्रेकफास्ट तो नहीं लग रहा है शायद इधर। हाँ ब्रेकफास्ट ये कांदा पोहे सब दिख रहा है, और वो इधर फैमिली इकट्ठा करके बाजू में जहाँ पे मेन कोर्स और अपना ब्रेकफास्ट भी मिल रहा है, तो वहाँ आ चुके हैं अभी, और अभी चेक करें। मैं तो मिसल खाऊंगा, मिसल का उसने ऑप्शन दे दिया, तो मिसल मेरे को अच्छी भी लगती है, तो मिसल पाव लेने वाला हूँ। अपना फैमिली इकट्ठा जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे लंच भी कर सकते हैं, मेन कोर्स भी कर सकते हो, तो काफ़ी सारे ऑप्शन है यहाँ पे सुबह सुबह, तो एक सबसे क्योंकि बीच के बाजू में है तो काफ़ी सारे ऑप्शन रहेंगे, टूरिस्ट बहुत आते होंगे इधर इसलिए, तो अभी आने तो भाई फिर देखते हैं मिसल पाव यहाँ का कैसा है। सो दोस्तों यहाँ पे आ चुका है अपना मिसल, अभी खाना भी चालू कर दिया और ख़त्म भी हो गया इनका, और को भी ख़त्म कर दिया इसने भाई, पहले पूरे खाए
और मेरा मिश्रा अभी चालू हुआ है, मेरे को थोड़ा वीडियो अपलोड कर रहा था भाई, स्टोरी वीडियो। तो अभी अपन ख़त्म करते हैं अपना मिशन। सो दोस्तों यहाँ पे लाइन से ही भाई इतने सारे होटल हैं, नायगांव बीच के बाजू में बहुत सारे होटल हैं, तो यहाँ खाने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और ये क्या है भाई, ग्लासेस भी मिल रहे थे उसके पास, प्रॉब्लम नहीं खाने की, और वो भी अच्छे खासे प्राइस में आप खा सकते हो। जैसे हम लोग ने अभी मिसल पाव खा के आए भाई, तो काफ़ी डिसेंट प्राइस था उसका भी। और अभी हम लोग घूमने वाले एटीएम, हम लोग को चाहिए कैश, क्योंकि जहाँ टिकट निकलते हैं भाई, मतलब बांडवा में टिकट निकलेगा वहाँ कैश ले सकते हैं, क्योंकि सीएसटी में भी वैसा ही सीन था, कैश ही चल रहा था, तो कैश का ही सीन चल रहा है। तो एटीएम ढूंढते पहले, देखते एटीएम जिधर मिलेगा उधर जाएंगे पहले, तो पकड़ेंगे ऐसे, पहले रास्ते में एटीएम मिला तो ठीक है, नहीं तो सीधा पंतनगर। तो अभी ऑटो मिल गई है दोस्तों, अभी एटीएम में, जहाँ एटीएम मिलेगा वहीं रुकाने वाले हैं, और एटीएम में से हमको कैश निकालना पड़ेगा, इतना कैश निकाल लेते हैं कि भाई अपन मुंबई वापस जा सके। भाई अभी आ जाए भाई, यहाँ पे एटीएम में जा रहे हैं, मुंबई के लिए जितना कैश नीड होगा उतना निकालेंगे अभी, तो हम भी जाते आज भाई के साथ। वो भाई चीले यहाँ पे किसी का आवाज़ आना सही लग रहा है। क्या हुआ, कैश अभी 2000 निकला? अरे निकल गया निकल गया, बहुत सैटिस्फाइंग वो साउंड है वो। तो गाइस कैश निकल चुका हमारा, अभी हम निकल रहे हैं हमारे होटल की तरफ। तो सबसे बड़ी खुशखबरी जो एटीएम में से पैसे निकल रहे हैं, अभी चलते सीधा अपने होटल। सो दोस्तों जैसे देख रहे हो भाई, अभी चेकआउट करने का टाइम आ गया है, इसलिए अभी रेडी हो चुके हैं भाई, बीच पे से आके नहा के फ्रेश हो गए भाई, चिपचिपा लग रहा था। ऐसे हम लोग ने डिसाइड किया था कि नहीं नहाने का, लेकिन बाद में भाई थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होने लगा तो नहा लिया भाई। और नहाने में कितना टाइम लगा भाई, चेकआउट भाई कल सुबह मंडे का था 10 बजे, लेकिन इसको भी कल जाना है शायद, और राहुल ब्रो को भी जाना था, तो मैं अकेला टूर प्लान कर रहा था, लेकिन ये लोग भी साथ में आ गए, तो इनके साथ मेरे को भी निकलना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम आज जल्दी चेकआउट मार रहे हैं। अभी बज रहे हैं भाई, कितना बज रहे हैं भाई, टाइम क्या हो रहा है, 11, ठीक है 11 बज रहे, तो 12 बजे नहीं तो 11:30 बजे हम लोग चेकआउट कर लेंगे। तो अंदर राहुल ब्रो भी नहा रहे हैं, राहुल ब्रो लास्ट बचे, बाकी का सब फ्रेश हो चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे देख रहे हो पैकिंग वो चालू है, जैसे ही पैकिंग ख़त्म होगी थोड़ा रेस्ट करेंगे भाई, और बाद में यहाँ से निकल जाएंगे। और ये अलीबाग का टूर भाई यादगार तो रहा, और जाते जाते आपको बताऊँगा कि कैसा रहा, कौन सा बीच अच्छा था, कौन सा बीच सही नहीं था, और मतलब इतना वाटर स्पोर्ट नहीं किया, क्योंकि नायगांव के बीच पे भाई वाटर स्पोर्ट करना था, लेकिन थोड़ा रिस्की लग रहा था इसलिए नहीं किया, क्योंकि वेव काफ़ी तेज़ थे, इसलिए ज़्यादा लोग भी नहीं कर रहे थे, इसलिए हम लोग भी नायगांव बीच पे कोई वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी कुछ किया नहीं। तो देखते भाई नेक्स्ट टाइम अलीबाग आना हुआ तो वाटर स्पोर्ट पूरा करेंगे, नहीं तो दूसरी तरफ कर लेंगे, अलीबाग छोड़ के मालवन या ऐसे बहुत कुछ जगह है, तो वो साइड में कर लेंगे अपन, लेकिन करेंगे ज़रूर। और देखते हैं नेक्स्ट एडवेंचर और क्या रहता है। चलो भाई बाय बाय करने का समय आ गया है होटल को, तो लास्ट टाइम बाय बाय बोल दे अपने होटल को, और मेरे को नहीं बोलना है। तो चलिए सब रेडी है भाई निकलने के लिए, लाइट वीट क्लोज हो गया है, अभी निकलते सीधा यहाँ से बाहर, चलते अब मांडो की तरफ। तो दोस्तों आपको एक सीन दिखाता हूँ जो आते आते हुआ, मतलब एक दीदी थी उनके पास से हमने मैंगो मांगा, और उन्होंने, मैंने एक ही मैंगो मांगा था, उन्होंने दो दे दिया, दिखा रे विक्का मैंगो दिखा, ये भाई एक ही मांगा था दो मिल गए भाई हमको, तो अच्छा है भाई दीदी ने दे दिया हमको। अभी जाते जाते इसको खाते हैं भाई, सुबह का मैंगो ले जाएंगे घर पे एक एक करके, दो ही मिला है लेकिन ठीक है ले जाएंगे, दीदी ने भी मन से एक एक्स्ट्रा भी दे दिया, तो थैंक यू दीदी के लिए। भाई साहब फाइनली आ चुके हैं भाई अपन मांडवा, और ये रहे भाई अपने चारों के टिकट रिटर्न की, तो हो चुका है भाई एडवेंचर ख़त्म। तो बस अभी यही वीडियो को एंड करने का समय आ गया है, और ये एडवेंचर में मतलब ये दो नाइट का था, लेकिन दो नाइट हमने कंप्लीट नहीं किया, कुछ रीज़न थे इसलिए, इसलिए अभी वापस जा रहे हैं, टिकट निकल चुके हैं सेम अजंता, अजंता से वापस जा रहे हैं। अभी 1 बजे बोला उन लोगों ने, तो 10 मिनट बाकी है भाई, पटक से जाते और निकलते, बस इसी वीडियो का एंड यहीं करते, और मिलते हैं आपको अगले एडवेंचर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।